Good morning, everyone. Let us start with our lecture 1 from Unit 1, National Income and Related Aggregates. आज अपन बच्चों पढ़ेंगे important aggregates की definitions. पहली definition है GDP MP. यहाँ जो word है market price MP, उसके हिसाब से उसको define करते हैं पहले. GDP MP is defined as a market value. MP की वजह से मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, market value. तो MP has given me मार्केट वैल्यू, वर्ड मार्केट वैल्यू. अब प्रोडक्ट का मतलब है पी, पी मीन्स प्रोडक्ट. तो हम यहाँ लिखेंगे ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. डी की वजह से हम लिखेंगे प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. डी की वजह से, क्योंकि ये होता है डोमेस्टिक, तो इसीलिए हमें ये वर्ड्स यूज करने हैं, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. क्योंकि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम बोलेंगे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर, या सिंपली ड्यूरिंग वन ईयर. बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स, कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं. और क्योंकि ये ग्रॉस वर्ड है, ग्रॉस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. वंस अगेन आई ब्रीफ यू. देखो मार्केट प्राइस की वजह से हमने क्या लिखा, GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू. प्रोडक्ट की वजह से हमने लिखा ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. डोमेस्टिक की वजह से हमने लिखा प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. क्योंकि फ्लो कॉन्सेप्ट हमने लिखा ड्यूरिंग वन ईयर. बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स, चाहे तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते थे, प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर. और क्योंकि ग्रॉस है इसीलिए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. नीचे वाली डेफिनेशन में देखो, यहाँ ग्रॉस है और यहाँ एक्सट्रीम एंड जो है वो नेट है. नेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. हमारी डेफिनेशन एज इट इज रहेगी, इंक्लूडिंग की जगह मैं लिख दूंगी सिर्फ एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. वंस अगेन देखो, मार्केट प्राइस की वजह से आया मार्केट वैल्यू, प्रोडक्ट की वजह से आया पी की वजह से, ये वाले पी की बात कर रही हूँ, इस प्रोडक्ट की वजह से आया ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. डी की वजह से आया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. नेट की वजह से आया एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. और ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, तो एक ईयर इसमें टाइम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए टाइम डायमेंशन है, इसलिए अपन ने टाइम लगा दिया इसके अंदर. ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द ईयर, लाइक दैट, है ना. तीसरा है जीएनपी एमपी. जीएनपी एमपी में भी अब देखो सिर्फ क्या डिफरेंस है, एन नेशनल, ये है नेशनल. जो एक्सट्रीम एंड पे है वो है नेट, और जो ये बीच में है जी और पी के बीच में, या एन और पी के बीच में हो, तो अपन इस वाले एन को बोलते हैं नेशनल. ये है नेशनल, ठीक है. इसमें डेफिनेशन में एमपी है तो अपन भी मार्केट वैल्यू लिखेंगे. मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट की वजह से मैंने लिखा ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. अब यहां पर एन देखो, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. यहां तक तो सेम टू सेम है. इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ये नेशनल है तो इसमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड भी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड की जाती है. तो यहां पर एक चीज ऐड कर देंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ऐसा हमने क्यों किया, इस नेशनल की वजह से. तो देखो इसकी वजह से दो चीज, दो सेंटेंसेस आए, इस नेशनल की वजह से, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी बाहर या यहां पर प्रोडक्शन जहां भी है दोनों जगह को गिनेंगे, ठीक है. तो विद इन द एन की वजह से, नेशनल की वजह से, ये क्या हो गया, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, जो आप दो डेफिनेशन में ऑलरेडी जान चुके, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो ये वाला जो वर्ड हमने ऐड किया, ये डोमेस्टिक टेरिटरी, और इसको मिला के लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इसी तरह से अगर मुझे इसी को एनएनपी एमपी बनाना है तो मुझे बस सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. मुझे यहाँ से ओमिट करना है इंक्लूडिंग और लगाना है सिर्फ एक्सक्लूडिंग. तो ये बन जाएगी एनएनपी एमपी की डेफिनेशन, ठीक है.
By the time you write this down, you may take a screenshot and then I'll change it. I hope you must have taken. देखो अब सिर्फ यहां पर मैं लिख रही हूं एन एन पी एम पी. देखो एन एन पी एम पी क्योंकि ये नेट वाला एन है ना, जो यहाँ एक्सट्रीम पे होता है ना लेफ्ट पे, वो होता है नेट वाला एन. जो बीच में होता है वो नेशनल होता है. एज इट इज सारी डेफिनेशन, पर बस मैं यहाँ इंक्लूड की जगह लिख दूंगी एक्सक्लूड, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है. ग्रॉस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, जबकि जो नेट है वो एक उसके कंपैरिजन में स्मॉलर कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है. यू मे ऑल्सो गो थ्रू दिस डेफिनेशन वंस और टेक अ स्क्रीनशॉट. I hope you must have understood the first four definitions. अब देखते हैं number 5. NDP FC की बात अपन करते हैं. अब देखो यहाँ पर word change हुआ FC. ये होती है factor cost या factor incomes. ये होती है sum total of factor incomes. Domestic की वजह से मैं लिखूँगी generated within the domestic territory of a country. और net की वजह से मैं लिख रही हूँ excluding depreciation. और क्योंकि ये flow concept है, time dimension है इसके अंदर. इसीलिए ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन ईयर, इस तरह से सिंपली ड्यूरिंग द ईयर लिख सकते हैं. तो एफ सी का मतलब आप समझते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हो, देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी. एक तो लैंड, लैंड रेम्यूनरेशन क्या है लैंड की, लैंड की इनकम क्या है, फैक्टर इनकम क्या है लैंड की, रेंट. कैपिटल की है इंटरेस्ट. लेबर की है वेजेस एंड सैलरीज. अगर स्किल्ड लेबर हो तो सैलरी मिलती है, और अगर अनस्किल्ड लेबर है तो वेजेस मिलते हैं. ठीक है, और एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो यही इसी इनकम्स की बात की, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन्हीं को बोलते फैक्टर इनकम्स. इन चारों के टोटल फैक्टर इनकम को मिला के जो मतलब कि जनरेट हुए है ना, जो जनरेशन हुआ इनकम्स का, मनी का है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री की, क्योंकि डोमेस्टिक है ना इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, एक साल में उसे बोलते एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसे बोलते हैं एनडीपी एफसी. अब जीडीपी एफसी लिखूंगी सेम डेफिनेशन आएगी, सिर्फ एक्सक्लूडिंग विल बिकम इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन है. चारों फैक्टर इनकम्स ऐड कर देंगे, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. कहाँ पर जनरेट हुआ है, डी की वजह से लिखूंगी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जी की वजह से लिखूंगी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, फ्लो कॉन्सेप्ट की वजह से लिखूंगी ड्यूरिंग द ईयर, है ना. अब इसी तरह से जी एन पी एफ सी की बात करो, इसमें आ गया नेशनल. नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट्स जो कंट्री के होते हैं है ना, जो जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो और एक साल से ज़्यादा उसी कंट्री में रह रहे हों, वहीं पर कंजम्पशन अर्निंग वगैरह कर रहे हों, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स हो जाते हैं उस कंट्री के. पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नॉर्मल रेसिडेंट्स कैसे होंगे, एग्जांपल के तौर पे अपन ले सकते हैं कि भाई कोई पर्सन है इंडिया में रहता है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, और बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाता है, वहाँ अर्निंग करता है और वापस आ जाता है. तो उस तरह का पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का ही है, पर अर्निंग कहाँ से कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर रहा है, दूसरे कंट्री से कर रहा है. तो क्योंकि यहाँ पर नेशनल है ना, इसीलिए फैक्टर इनकम कोई नॉर्मल रेसिडेंट बाहर से भी कर सकता है ना. इसको हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन में नॉर्मल रेसिडेंट अपन कंसिडर करते हैं, वो थोड़े टाइम में बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगी. अभी हम इस डेफिनेशन पे आ जाते हैं. ये भी सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का, वही चार फैक्टर इनकम्स, अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. किसी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात कर लेते हैं, यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी से भी कमा रहे हैं और कुछ लोग जो बाहर से भी कमा रहे हैं, दोनों की इनकम को इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेशनल वर्ड है. ड्यूरिंग द ईयर सेम, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन सेम, क्योंकि ग्रॉस वर्ड है. अगर मुझे इसे एन एन पी एफ सी बनाना हो तो मुझे सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, ग्रॉस की जगह नेट कर दूंगी और इन की जगह एक्स कर दूंगी, यानी कि इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग कर दूंगी. तो डेफिनेशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, पर
बाकी के सारे वर्ड्स सेम रहेंगे. यू मे टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वॉन्ट. ओके, अब इसे नंबर 8 बना देते हैं, जो हमारा लास्ट एग्रीगेट है. लास्ट एग्रीगेट है, ठीक है. देखो, जी की जगह कर रही हूं एन, सिर्फ यहां पर एक्सक्लूडिंग करना है, बाकी सब चीज सेम टू सेम है, ठीक है. फैक्टर इनकम्स वही हैं, और क्योंकि नेशनल है बीच में, इसीलिए नॉर्मल रेसिडेंट्स दोनों जगह के गिनना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के भी, दूसरे कंट्री में जाके कमा रहे हो तो इंडिया के लोग, और डोमेस्टिक टेरिटरी यानी इंडिया में ही कमा रहे हो तो भी गिनेंगे क्योंकि नेशनल है. और नेट की वजह से एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट की वजह से ड्यूरिंग द ईयर हो गया, ठीक है. आई होप यू विल लर्न दीज डेफिनेशंस वेल, थरली वेल, और इसके बाद तुरंत ही कन्वर्जन ऑफ दीज एग्रीगेट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, ये स्टार्ट करेंगे. सेकेंड लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन हाउ टू कन्वर्ट दिस इंटू दैट और दैट इंटू दिस, ठीक है. हैव अ नाइस डे, बाय चिल्ड्रन.